नमस्कार, मैं प्रांशु दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर, बताते चलें। तीसरी बार एनडीए की सरकार मोदी के नेतृत्व में बनाने की अग्रसर है अनुप्रिया पटेल। बताते चलें, शौरत गण विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत के रेलवे स्टेशन के सामने ग्रामीण स्टेडियम सिंह में शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए आई अपना दल। एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनडीए सरकार संकल्प व संपूर्ण के साथ बदलता हुआ भारत देखना चाहती है। तीसरी बार की एनडीए की सरकार मोदी के नेतृत्व में बनने की और अक्सर यह है एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ी, आम जनता के हर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि देश को आम जनमानस को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त हों। अभी तो मोदी सरकार का या टेलर का दौरा है। 2024 में तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की दृष्टि करिश्मा में देश में कुछ अलग होगा। चुनाव प्रमाण आने के बाद 100 दिन का कार्य योजना को एनडीए ने तैयार कर लिया है। एनडीए सरकार खोखले दावे नहीं करती बल्कि संपूर्ण और संकल्प के साथ कार्य करने की बात करती है। लोकसभा को डुमरियागंज बीजेपी प्रत्याशी जगदिगंबरा पाल विधानसभा क्षेत्र ने अपना दल। एस विधायक विनय वर्मा, चिंकू यादव, योगेंद्र प्रताप सिंह इस दौरान, राघवेंद्र प्रताप सिंह, गोविंद माधव चेयरमैन ऑफ अग्रवाल, रवि अग्रवाल, अजय सिंह, डॉक्टर पवन मिश्रा, रामदास मौर्या, राम कुमार, शिव शक्ति शर्मा, साधना चौधरी, पंकज चौबे, संगनी अग्र हरी, मोनी पांडे, अमित यादव, हरीश वर्मा, योगेश सुद्रधर, प्रताप सिंह, सौरभ गुप्ता, सूर्य कुमार पांडे उर्फ पहलवान, रामपाल सिंह, अनिल चौधरी आदिगढ़ मौजूद रहे। फिलहाल मिले जानकारी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देश के कोने कोने में और हमारे उत्तर प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड कायम होगा। और जो सपना हम सब ने मिलकर इस देश के लिए देखा है कि हम तीसरी बार हैट्रिक लगाकर 2047 का विकसित भारत बनाएंगे, वो सपना भी पूरा होगा। अखिलेश कह रहे हैं 150 पर सिमट जाएंगे, 150 पे। अखिलेश कह रहे हैं 150 पर सिमट जाएगी। पिछले चार चुनाव के नतीजे उठाकर 2014, 2017, 2019, 2022 समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मतदाता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। और इन खोखले वादों में अब कोई दम नहीं है, ये दावे बेबुनियाद हैं। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। अखिलेश जी को भ्रम हो सकता है, इंडी गठबंधन के और साथियों को भ्रम हो सकता है, लेकिन देश का मतदाता पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन पे भरोसा करता है। और वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ईवीएम पर बटन एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में। 10 साल का ये ट्रेलर था, विपक्ष का कहना कि 10 साल का ये ट्रेलर था संपत्तियों को बेचने का, आगे क्या होगा, क्या मुल्क बिकेगा? देखिए, हमारे एनडीए गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, आज उनके पास देश के मतदाता के समक्ष रखने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं, उनका कोई एक स्वीकार्य सर्वस्वीकार्य नेता ही नहीं। आप देखिए कि आपस में कितना महत्वाकांक्षाओं का टकराव है। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर व्यक्ति देश का सिरमौर बनना चाहता है। इनकी अंतर कले आज देश के मतदाताओं के सामने है, ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं और जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। 10 साल में हमने जो कहा वो किया, और इसलिए इनको तो जनता पहले भी आजमा चुकी है और ये फ्लॉप हो चुके हैं। आजमाए हुए को जनता दोबारा नहीं आजमाने चाहती।